এবং চন্দ্রমাতার সহিত সন্তুলিত হবার সুন্দর কিক এবং সিদ্ধান্ত काफी हर्षद के साथ उत्साह के साथ खेल का आनंद लेते हुए और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए दोनों टीमों के समर्थक बिल्कुल उत्साहित हैं और बहुत उम्मीद लेकर के मैदान में आज बने हुए हैं। सबों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। लाल मैदान के नॉर्थ एंड से आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हुए कमाल का गोल कीपिंग हागा रमेशी को सुरान सरिया का जीत सिंह अब नेहरू स्टेडियम चंपुआ रे सेकंड सेमीफाइनल रे आनंद हुई इतने आदाबी से आरके स्पोर्टिंग खासिला झारखंड से सुन पाए थे आर पाई दी लगे थे कोच से शॉर्ट डिस्टेंस पास माना दिखते हुआ इन्हों का इधर जोरदार तरीके से बड़ा उतरा है मेंदो डिफेंडर इधर भी नहीं है जुड़ी स्पेड लगे मौका अंत रहा है डोलने का कटते बड़ा उतरा है बॉल आदाबी से मौका हुआ था यू आरके स्पोर्टिंग लगे थे कार्सिलरन कारिस्मेट मराव थ्राई बॉल मैं तो डिफेंडर एसेट किए थे ब्लॉक किए थे आयर पार बांस थ्राई अब कमेंटेटर बूथ समनंग पा मैं दौड़ा भी शे आरके स्पोर्टिंग कार्सिला आयर पाई थी लगे थे कोशिश तमाम कोशिश इंतारे नकाम सबित हुए ना आड़ा भी शे नल किए थे आयर पाई थी लगे थे कोशिश मैं तो जब भी ब्रदर तार के बॉल में आठ ओपोनेंट टीम प्लेयर इंतारे सुपर ये थे एसेट कराए ब्लॉक थ्राई टेकल थ्राई इन चनाब प्लेयर नंबर 11 आयर पा इधी लगे थे कोशिश सेंटर लाइन जपाए थे सुए सुए थे नेपाइन पाइन के नल किए थे ओगन पर मराया में थे उलू इतने जुड़ी से बैठ लगे मौका हवा दायी हुआ अंदर पेना दे रही जपार के बॉल मिला हवा दायी हुआ मौका मैं तो डिफेंडर नल नल के नल किए थे जुड़ी से बैठ लगे बॉल एडवांस तरह है मैं तो हैंड बॉल रही सारा हो पाए ना तारे प्रिकी क्रिया मौका अरे पाई दिलाए थे कौन से सुए थे जुड़ी से बैठ लगे थे बड़ा उतरा गेंदो स्लो मोशन थे ये शुरुआत से लेकर जी बराबरी बराबरी को मिला हुआ गोले में लगे थे पूरा लगाती ही किन को प्रयास को भी ना हुआ हगारो मिशी को सिरमारे रिमिल दो मिना में दो गमा का हवा उतना सिरमारे रिमिल दो मिना में दो गमा का हवा उतना गोले में थिया जोश तो मिना में दो गोल का हवा दही होता पूरा तंगरी को मिना को तमाम दर्शक को गोल लगी थे आड़ा मिशे जेपी प्रोतर तार के बोले मिना सुए थे बड़ा उतना है में दो चित्तने या नया मैदान है तेवाहार दर्शक बंधु आजी स्टेडियम पूरा लोकारण्य आजी पकापकी 40-50 हजार दर्शक गुरु गंभीर भाव में सामयिक मन खुशी टूर्नामेंट प्रत्येक पाखुड़ा को मन भरी उपभोग करे मात्र सन्देहर अवकाश ना आज अनेक संख्य माँ भी मैंने सामिल होती टूर्नामेंट स्वाद चाखा को फुटबल मजा नापी फुटबल अनुभूति को साउटापी आज अनेक संख्य आम सहित सामिल होती स्थानीय दर्शक जेहेतु आज पब्लिक हॉलिडे आज रविवार एणु समस्त मन में उत्साह समस्ते अवसर दिन में यह फुटबल अनुभूति को साउटापी एकत्रित होती समस्त को बहुत बहुत साधुवाद आपण मान स्नेह श्रद्धा भल पाइबा अनुशासन पाई ए टूर्नामेंट सफलतार द्वार देश में पुनर्बार पाई बोल्टी को आरके स्पोर्टिंग घाटशिला अति श्रृंखलित भाव में सुंदर भाव में सीधा सड़क बढ़ईदे किंतु गोलकीपर पंच आउट करी बॉल्टी को अटक चेस्टा कर सहित किसी वार्तालाप जारी रही खेलाड़ी किसी खेल खेल स्थगित किंतु कॉर्नर किक परे पुनर्बार निज पोजिशन को नहीं सुंदर किक कर सुजोग हो पारे पुणि थे आरके स्पोर्टिंग घाटशिला निम्ते जेपी ब्रदर निक अंचल ही बल अच्छी संजय मतार सहित संतुलित भाव में सुंदर किक एवं सीधा सड़क नेट मधर बॉल प्रथम स्कोर आरके स्पोर्टिंग खासी
समस्त मन में गोटे प्रश्न चलित बर्ष किए हम चंपिन् किए विजय भर्चा उड़ेब किए टॉप ऑफ द सक्सेस फोर्थ चंद्रशेखर फुटबॉल टूर्नामेंट रे हम चंपिन् किए विजय राजमुकुट पिंधि समस्त गोटे प्रश्न एवं प्रश्न उत्तर खोजु खोजु समस्ते आज सामिल होती फुटबॉल महापर्व आज स्टेडियम पूरा चल चंचल हजार हजार संख्यार आज दर्शक समूह सेकेंड सेमी फाइनाल को मन भरी उपभोग कर दर्शक बंधु इतिम्य आरके स्पोर्टिंग खासिला एक शून गोल अग्रणी सारी प्रथमार्धर मैच जारी रही पुनर्वार गोलकीपर बल्टी को अटकईदे दर्शक बंधु पड़िया दक्षिण पार्श्व आगे बढ़ाई उद्यम प्लेयर नंबर टेन क्या पास देवे नजर को एपट सपोर्ट कर उद्यम कर सुंदर प्लेसमेंट चमत्कार क्रीडा कौशल अद्भुत प्रकार समन्वय निज निज भितर कोऑर्डिनेशन रक्षा करने उद्यम कर आरके स्पोर्टिंग खासिलार समस्त अनुभव एवं उदयमान खेलाड़ी वृंद बॉल चलीगला पड़िया केन्द्र भाग को पुनर्वार सीधा सड़क रिलीज करदे एवं दूरवर्ती अंचल बल्टी को नियंत्रण करने बढ़िया उद्यम कर पास देवे बैक पास करवाटा उचित मन कले तत्णा डिफेंडर सहयोगी राइट फ्लैंक खेलाड़ी उद्देश्य बल्टी को स्थानांतरित करते केन्द्रांचल मिडफिल्डर पुनर्वार सहयोगी खेला उद्देश्य बल्टी को पास करते निज निज भितर अति चमत्कार कोऑर्डिनेशन देखा मिली आरके स्पोर्टिंग खासिला सौजन्य पुनर्वार दूरवर्ती अंचल प्लेयर नंबर इलेवेन अनेक सुजोग दमदार प्रदर्शन अति द्रुत गति में बल्टी को नहीं जाऊँगी गोल पोस्ट आड़ को किंतु डिफेंडर से मौजूद थे प्रत्येक विपद को एड़ाई अति सुंदर भाव निजर विपद को एड़ेबार सक्षम होती डिफेंडर बल चलीगला पड़िया उत्तर पार्श्व को दूरवर्ती अंचल त्रयन सुजोग पुणी थे पाँच जेपी ब्रदर जेपी ब्रदर के नौजवान खिलाड़ी शानदार प्लेसमेंट करते हुए क्या कमाल का प्रदर्शन हमारे कमेंटेटर बूथ के काफी नजदीक से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए किनको पास देंगे देखने वाली बात होगी शानदार प्लेसमेंट बहुत ही बेहतरीन मौका जेपी ब्रदर के लिए और आहिस्ता आहिस्ता खेलों में जान आता हुआ बिल्कुल हर्षद के साथ तमाम दर्शक बेहतरीन किक और सीधे नेट के अंदर में क्या कमाल का पोजीशन दोनों टीम बराबरी पर वन एंड वन दर्शक बंधु द्वितीय सेमिफाइनल रो आमे समस्त आनंद रहउछंती एक अद्भुत अनुभूति आम समस्त वर्तमान सुधा उभय टीम समान समान स्थिति रे परस्पर को समान एक गोटे लेखा स्कोर करउछंती जहाँ सूचना अच्छी अल्प समय मध्य आजिकार मुख्य अतिथि आम गहन रे उपस्थित हेबे केन्दुझर लोकसभा सांसद सम्मानीय अनंत नायक महोदय
ता सहित आम घर उपस्थित हेबे ऑनरेबल एमएलए तेलखुई डॉक्टर फकीर मोहन नायक महोदय ता सहित रवींद्र कुमार दास एमपी रिप्रेजेंटेटिव जोड़ा सिद्धार्थ सिंह एमपी रिप्रेजेंटेटिव चंपुआ एवं आम सहित सामिल हेबे विशिष्ट शिल्पपति सीमंत कुमार त्रिपाठी अल्प समय मधे आम मंच में योगदान करेंगे समस्त बरेण्य अतिथिवृंद आम स्वागत करवा पारंपरिक मत विचित्र सहित समस्त प्रस्तुति शेष पर्याय टूर्णामेंट आज अंतिम दिवस प्रवर्चन समागम समस्त मन में आनंद एवं उल्लास समस्ते प्रत्येक गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त को उपभोग करते तेरे मात्र सन्देहर अवकाश ना पड़े पाई बोल आरके स्पोर्टिंग खाटशिला सामना करेपी ब्रदर परस्पर को सामने गोटे लेखाएं स्कोर करके स्पोर्टिंग खाटशिला फुटबल टीम खेलाड़ी कमेंटेटर बहुत सामने बल अच्छी सीधा सड़क रिलीज करदे जेपी ब्रदर खेलाड़ी उन्नत मान खेल प्रदर्शन अति द्रुत गति में 100 किलोमीटर प्रति घंटार बेगर आगे बढ़ावाई उद्यम करते परवर्त समय आरके स्पोर्टिंग ब्लक कर अति चमत्कार इंटरसेप्शन दर्शक बंधु आपने जो मैच उपभोग कर द्वितीय सेमीफाइनाल प्रथमार्धर मैच जारी रही आपे पूर्व सूचित करूँ प्रत्येक हाफ प्रथमार्ध 25 मिनिट और द्वितीयार्ध 25 मिनिट वर्तमान परिप्रेक्षी में प्रथमार्धर मैच जारी रही आपन्मुख में पुनर्वार पाई आरके स्पोर्टिंग खाटशिला आतशबाजी जहाँ संकेत अतिथि मान आगमन समय हो सारी बल्टी अटक उद्यम करते कि बल से मारेखार बाहर कर्णर मौका मिली आरके स्पोर्टिंग खाटशिला निम्ते अल्प समय मध्य समस्त बरेण्य अतिथि मैंने आम मंच को आगमन करेंगे ऑनरेबल एमपी केउसर अनंत नायक ऑनरेबल एमएलए तेलकुई डॉक्टर फकीर मोहन नायक श्रीमंत कुमार त्रिपाठी एमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट रवींद्र कुमार दास एमपी रिप्रेजेंटेटिव जोड़ा सिद्धार्थ सिंह एमपी रिप्रेजेंटेटिव चंपुआ अल्प समय मध्य पदार्पण करेंगे आम मंच में आम स्वागत करवा पाचटी आड़ापी अनुष्ठान वरिष्ठ कर्मकर्ता मैंने मुख्य फाटक निकट उपस्थित अच्छा पारंपरिक वाद्य विचित्र सहित आज प्रबल जोर समागम समस्त मन में आनंद उत्साह एवं उल्लास चंद्रशेखर कप फुटबल टूर्नामेंट ये हूँ चतुर्थ संस्करण मॉर्निंग फुटबल क्लब चंप सौजन्य अत्यंत आनंद एवं उल्लास पखापाखि 40-50 हजार दर्शक सुधा उभय टीम समान समान स्थिति रे समस्त मन उत्साह अल्प समय मध्यांतर इंटरवल समस्त मन उत्साह केते बेले अतिथि मैंने आगमन करेंगे इतिमध्य आतशबाजी आम मंच प्रांगण रु एक ऐतिहासिक वातावरण हिस्टोरिक मूवमेंट प्राउड मूवमेंट आम समस्त नेहरू स्टेडियम चंपुआ चलित बर्ष नुआ रूप से नुआ ढंग से एक निरा अनुभूति जगैवाई मॉर्निंग फुटबॉल क्लब चंपुआ सौजन्य चंद्रशेखर कप फुटबॉल टूर्नामेंट चतुर्थ संस्करण फोर्थ एडिशन ऑफ चंद्रशेखर कप फुटबॉल टूर्नामेंट 25th रु आरंभ हो टूर्नामेंट आज हूँ 27th अक्टोबर एवं यही परिप्रेक्षी आज हजार हजार संख्यार समस्त फुटबल प्रेमी मन भरी उपभोग कर फुटबल प्रत्येक अनुभूति को साउटुंटे मात्र सन्देह अवकाश नहीं घटनाक्रम को वीडियो लेंस कैमरा लेंस रे आवत्त करोग्राफी करूँ स्पोर्टिंग यूट्यूब चैनल
परवर्ती समय रे कि मा लाइव स्ट्रीमिंग रे आपण माने उपभोग करि परिबे बीबी स्पोर्टिंग चैनल छोरिया रे वर्तमान परिप्रेक्ष्य पड़ी थोड़े पाई चंती बोल्ट को आरके स्पोर्टिंग गॉडजिला भोलानाथ बाबू जोड़ी को चंती कमेंट्री टीम में ज्वाइन करिबे भोलानाथ दर्शक बंधु सेकंड सेमी फाइनल रो एगो गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त आपण माने उपभोग करछने वे टीम समान समान स्थिति रे ब्रदर रखे नारी बहुत सुंदर भावरे तांको सहज कडे कौदेश रे बोल्टी को स्थानांतरित करी चंती दूरवर्ती अंचल रो बोल्टी को नियंत्रण करी सामान्य आघात दे बोल्टी रो तीव परिवर्तन करी पश्चिम पार्श्व को पठाई दे चंती दमदार प्रदर्शन इति बतरे आकु बढ़िया पे उद्यम एवं जथेष्ट संभावना थिला गोल कन्वर्ट करबा पई किंतु परिणाम शून्य वर्तमान उभय टीम समान समान स्थिति रे हेलो बहुत धन्यवाद समस्त दर्शक बंधु आपण मानको सहयोग पाई समस्त दर्शक बंधु मान को हार्दिक अभिनंदन एवं अनेक अनेक शुभेच्छा मोरिंग फुटबॉल क्लब चंपा सौजन्य आयोजित होता चतुर्थ वार्षिक पादपेंडो प्रतियोगित आज हूँ उच्चापरी समारोह परिप्रेक्षी सेकेंड सेमिफाइनाल आनंद नौ दर्शक बंधु आरके स्पोर्टिंग खटसिला वर्सेस जेपी ब्रदर एवं मैच को परिचालना कर दायित्व नहीं अभिज्ञ रेफरी गजानन पात्र फ्रॉम बणई सुंदरगढ़ एआर वन रे अछंते जितेंद्र पात्र फ्रॉम बलांगीर एवं एआर टू रे अछंते आलोक देहुरी फ्रॉम अनुगुड़ फोर्थ ऑफिशियल रे हरीश पूर्ति फ्रॉम गोवा झारखंड एवं मैच कमिश्नर जतेंद्रनाथ महंत फ्रॉम चंपुआ केउंझर द्वितीय सेमीफाइनल इतिमध्य समस्त बरण्य अतिथि माने मंच रे पदार्पण करि सारिछन्ति आमे देखुछु द्वितीय सेमीफाइनल को मन भरि उपभोग करुछु द्वितीय सेमीफाइनल द्वितीयार्धर मुकाबला जारी रहिछ दर्शक बंधु पुणि थरे जेपी ब्रदर निज आयतर बड्डी रखिया पय उद्यम करिछन्ति किंतु बॉल सीमा रेखार बाहरे वर्तमान थ्रोइन रो सुजोग नेबा पय पुणि थरे आरके स्पोर्टिंग अति सुंदर भाबरे शृंखलित भाबरे तांको सहज खेलाड़ी को उद्देश्य रे बॉल टी पास करथिले परवर्ती समय रे प्लेयर नंबर 13 सिदासल को रिलीज कर देले तांको सहज खेलाड़ी को उद्देश्य रे किंतु बिना योजना रे लक्ष्य होइन भाबरे किक कर देले बॉल जाय पड़ीछि लेडीज रिजर्वेशन एरिया रे पुनर्बार अन्य को सुजोग पाइछन्ते जेपी ब्रदर रो उदयमान खेलाड़ी प्लेयर नंबर 2 दमदार प्रदर्शन सिदासल को बढ़ाई देले बॉल चली जाय छि पड़िया रो पूर्व पार्श्व को पीआईपी गैलरी को चली वाला बॉल एवं आउट दर्शक बंधु आपण माने जो मैच रो आनंद नउछंती द्वितीय सेमीफाइनल आरके स्पोर्टिंग खटसिला एवं जेपी ब्रदर आपण मान को आमे पुरी तरह स्मरण करदा पई चाहिबु प्रथमार्ध रे उभय टीम परस्पर को समान गोटे लेखा स्कोर करिछंती उभय टीम समान समान स्थिति रे परस्पर को समान गोटे लेखा स्कोर करिछंती एवं द्वितीयार्ध रो मुकाबला जारी रहिछि आपण मान को सम्मुख रे पुनर्बार आगु बढ़िया पई चेष्टा करिछंती पहले आरके स्पोर्टिंग घाटशिला उदयमान खिलाड़ी केन्द्रांचल बल अच्छी आगे बढ़िया चेस्ट दमदार प्रदर्शन
एक ऐतिहासिक क्षण आम समस्त मॉर्निंग फुटबॉल क्लब रो सभापति श्रीजुक्त रश्मिरंजन सेठी महोदय संपादक अमिताभ प्रधान उपसभापति मानस रंजन पसायत एवं जॉइंट सेक्रेटरी विश्वचरण पाणी महोदय को अनुरोध करी समस्त अतिथि मान को वर्तमान पुष्पगुच्छ प्रदान करी एवं स्वागत संवर्धना ज्ञापन करी आज के मुख्य अतिथि भाव जहाँ पाई ऑनरेबल एमपी केउसर अनंत नायक महोदय एवं आज का सम्मानित अतिथि ऑनरेबल गेस्ट ऑनरेबल एमएलए तेलकुई डॉक्टर फकीर मोहन नायक महोदय आम घर उपस्थित अच्छा सम्मानित अतिथि श्रीमंत कुमार त्रिपाठी एमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट रवींद्र कुमार दास एमपी रिप्रेजेंटेटिव चोड़ा सिद्धार्थ सिंह एमपी रिप्रेजेंटेटिव चंपुआ समस्त को मॉर्निंग फुटबॉल क्लब चंपुआ सौजन्यु अनेक अनेक स्वागत अनेक अनेक अभिनंदन एवं बहुत बहुत कृतज्ञता आपण मैंने निजर बहुमूल्य समय दे आमको उत्साहित करने आम घर उपस्थित होती बहुत धन्यवाद देवी कमिटर सभापति रश्मि रंजन सेठी महोदय उपसभापति मानस रंजन पसायत संपादक अमिताभ प्रधान जॉइंट सेक्रेटरी विष्णुचरण पाणी एम डी सकीब ट्रेजरर सत्यजित महागुड समस्ते मिसी अतिथि मान स्वागत संवर्धना ज्ञापन कर बहुत बहुत धन्यवाद एवं आसतु पुणी थे जी पड़िया मध्य जो जारी रही द्वितीय सेमिफाइनाल महामुकाबला कई कहारी ठार कम नुहति से परस्पर को गोटे लेखाएं स्कोर कर एक दमदार स्थित अच्छा आज हजार हजार संख्यार फुटबल प्रेमी फुटबल स्वाद चाखापी फुटबल मजा नापी फुटबल फ्लेवर को उपभोग करने आज सामिल होती दर्शक बंधु निरंतर दुई दिन धरी आप जो भाई भाव में समस्या सामना करी वर्षा जो दानार प्रभाव में समस्त प्रभावित होते ना केवल दर्शक बरम खेला प्रभावित होते आम कमेंट्री टीम प्रभावित होतीलु कितु आज सौभाग्य आज खूब सुंदर पाग बर्तमान पुणी थे जेपी ब्रदर खेला सर्ट डिस्टान्स पास द्वारा आगे बढ़ाया उद्यम करु पलटा जवाब देते आरके स्पोर्टिंग घाटशिलार खेला पुनर्बार अन्य प्रयास जेपी ब्रदर तरफ आगे बढ़ाया उद्यम करते सर्ट डिस्टान्स पास द्वारा से सन्तुष्ट रही दूरवर्ती अंचल बल्टी को नियंत्रण कर आगे बढ़ाया उद्यम परवर्त समय पुणी थे आरके स्पोर्टिंग घाटशिलार खेला खेला उद्देश्य बल्टी को स्थानांतरित कर चमत्कार क्रीड़ा कौशल अद्भुत प्रकार समन्वय त्रुटिहीन सहयोग उन्नत मान खेल प्रदर्शन दर्शक बंधु यहाँ 40 प्लस जो लेजेंडरी मैच आपण मैंने देखुले फाइनल मैच आरंभ हम चंपुआ वर्सेस जगन्नाथपुर अनुरोध करी 40 वर्ष ऊर्ध विभाग फाइनल को प्रवेश करीम जगन्नाथपुर एवं चंपुआ प्रस्तुत होते परवर्ती मैच प्रदर्शन निम्ते तृतीय एवं चतुर्थ पुरस्कार प्रस्तुत होते पुणी थे जी पड़िया मध्य को दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मुकाबला आपके सामने चलता हुआ आरके स्पोर्टिंग घाटशिला और जेपी ब्रदर के बीच में एक रोमांचकारी मुकाबला दोनों टीम बराबरी पर खेलते हुए कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिली है कोई भी किसी से कम नहीं है क्या कमाल का प्रदर्शन और खेलों में बिल्कुल जान आ चुकी है सेकंड हाफ का ये मुकाबला मैं फिर से याद दिला दूं फिर से मैं बता दूं कि पहला हाफ 25 मिनट का और सेकंड हाफ भी 25 मिनट का यानी कि कुल मिलाकर 50 मिनट का यह मुकाबला है और इस मुकाबला को संचालन करने के लिए एमिनेंट रेफरी गजानन पात्र मैदान के बीचों बीच में होशिल के साथ इस मैच का ऑफिशिएटिंग करते हुए फिलहाल पोजीशन लेते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए आरके स्पोर्टिंग के नौजवान खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन किक क्या कमाल का प्रदर्शन फिलहाल फिर से पोजीशन लेते हुए जेपी ब्रदर के खिलाड़ी क्राउडेड पास करते हुए जमीनी किक करते हुए गेंद को आगे बढ़ाने में कामयाब हुए और गेंद को आगे बढ़ाने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं काफी संघर्ष कर रहे हैं शानदार तरीके से निकाल दिया खूबसूरती के साथ मौका मिल सकता है लेकिन चूके खिलाड़ी गेंद चली गई मैदान से बाहर और बल बल बच गए गोलकीपर लेकिन कॉर्नर का मौका मिलेगा जेपी ब्रदर के लिए हमेशा कमेंट्री के लैंग्वेज में हम कहते आ रहे हैं जब भी कॉर्नर का मौका मिलता है 50% चांस होती है गोल करने के लिए और ये देखने वाली बात होगी क्या कुछ करिश्मा करेंगे गोल मुहाने की ओर गेंद को निकाल दिया है और रिवर्स की करने के लिए प्रयास जरूर किया टप्पा खाने के बाद गेंद को बैक पास करने में कामयाब और अभी भी मौका बनता हुआ
मिडफील्डर के खिलाड़ी गेंद को रिसीव करने में नाकामयाब हुए। ओपोनेंट टीम के खिलाड़ी गेंद को स्नैचिंग करते हुए स्टीयर कर दिया, गेंद चली गई दंदनाती हुई टच लाइन से बाहर। प्रोइन का मौका मिला फिर से आरके स्पोर्टिंग घाटशिला के नौजवान खिलाड़ी आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दोनों टीम बराबरी पर खेल रहे हैं। आरके स्पोर्टिंग घाटशिला और जेपी ब्रदर के बीच में नेहरू स्टेडियम चंपुआ में टूर्नामेंट का आज क्लोजिंग सेरेमनी है। आज पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम भी शुरू होगी और हमारे बीच ऑनरेबल एमपी पधार चुके हैं, ऑनरेबल सांसद महोदय केवंसर के मोस्ट पॉपुलर सांसद में एक हैं और हमारे बीच में अनंत नायक जी पधारे हुए हैं। मैदान के बीचों बीच आए, दर्शकों के साथ समय बिताए और आप देख रहे हैं एक बेहतरीन मुकाबला। कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है, कोई भी किसी से कम नहीं। फिलहाल दोनों टीमों के बीच में एक जबरदस्त मुकाबला, कड़ी संघर्ष के साथ एक बेहतरीन एक्सपीरियंस साझा करते हुए तमाम खिलाड़ी, ऐसे मानो कि कप्तानों की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए तमाम खिलाड़ी। फिलहाल पोजीशन लेते हुए जेपी ब्रदर के नौजवान खिलाड़ी हमारे कमांडेंट बूथ के कभी नजदीक से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए किनको पास देंगे ये देखने वाली बात होगी। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग के साथ उन्होंने गोल मुहाने की ओर गेंद को निकाला, लेकिन गेंद चली गई गोल लाइन से बाहर। और ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ द प्लेयर, खिलाड़ियों का परिवर्तन होगा आरके स्पोर्टिंग घाटशिला की ओर से। प्लेयर नंबर 18 अभी मैदान से बाहर की ओर आ रहे हैं और प्लेयर नंबर 9 अभी मैदान में प्रवेश करेंगे आरके स्पोर्टिंग घाटशिला की ओर से। और मैच फिर से प्रारंभ और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हुए प्लेयर नंबर 11 किनको पास देंगे और चारों मुआयना करने के बाद आंखों आंखों में इशारा करते हुए अपना सहयोगी के लिए इनसाइड ऑफ द राइट फुट उन्होंने खेल दिया गेंद को। क्या कमाल का प्रदर्शन, बहुत ही उम्दा खेल का प्रदर्शन करते हुए तमाम कोशिशों में दोनों टीमों के खिलाड़ी फाइनल में जगह बनाने के लिए काफी संघर्ष करते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ी, इतना आसान भी नहीं है दोनों टीमों के। और ये देखिए बेहतरीन किक, लेकिन आखिरकार गेंद चली गई मैदान से बाहर। दोस्तों मैं बता दूं आज हमारे मुख्य पंडाल पर उपस्थित हैं आज के मुख्य अतिथि ऑनरेबल एमपी केवंसर अनंत नायक जी, साथ ही साथ तेलकोई कंस्टिट्यूएंसी के ऑनरेबल एमएलए डॉक्टर फकीर मोहन नायक जी, एमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीमंत कुमार त्रिपाठी, रविंद्र कुमार दास एमपी रिप्रेजेंटेटिव जोड़ा, सिद्धार्थ सिंह एमपी रिप्रेजेंटेटिव चंपुआ हमारे बीच में पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मॉर्निंग फुटबॉल क्लब चंपुआ की सौजन्य से आयोजित फोर्थ टुडेज नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट 2024, आज टूर्नामेंट का आखिरी दिन है, टूर्नामेंट का आज क्लोजिंग सेरेमनी और लगभग 50,000 ऑडियंस मैदान के चारों ओर हर्षद के साथ काफी उत्साह के साथ खेल का आनंद लेते हुए फिलहाल फिर से पोजीशन लेते हुए आरके स्पोर्टिंग के खिलाड़ी, बेहतरीन किक इस बार मौका बन सकता है। प्लेयर नंबर 9 के पास गेंद है, बैक पास करते हुए और गोल मुहाने की ओर गेंद को निकाल दिया है, नजदीकी मामला खतरा हो सकता है, लेकिन डिफेंडर ने काफी होशियारी के साथ खतरा को टालने में कामयाब हुए। अब दीवार की तरह वहां पर तैनात है, गेंद चली गई मैदान से बाहर। डेफिनेटली इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस ऑफ एक्सीलेंट फुटबॉल, बट रेफरी इंडिकेटिंग फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ द प्लेयर फॉर द टीम जेपी ब्रदर। वेट एंड सी। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वॉचिंग सेकेंड सेमीफाइनल ऑफ द फोर्थ चंद्रशेखर कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2024। And once again, throw-in opportunity in favor of RK Sporting Ghatsila. Very beautiful throw-in. And very, very close to our commentator booth. Player number 17. Wait and see what is going to happen. And he passes to the left winger. And tremendous performance. Spectacular performance. Once again, the player of the RK Sporting, quite confidently, he dribbled the ball without any delay. And just flicks the ball towards the right winger. Wait and see. Running behind the ball. Both team player struggling with the ball, but there is no any freedom to pass forward the ball. Another chance to the left winger and very, very close to the fourth official zone. Once again, the player of the RK Sporting Ghatsila quite confidently deflected towards the midfielder. And at the same time, in the meanwhile, the defender of the JP brother quite confidently deflected through ball for the left winger. Wait and see what is going to happen. Time to time, moment to moment, lot of hope and expectation is seen everywhere. A great excitement is seen everywhere. Lot of amusement. Near about 50,000 audience have waited to enjoy this moment.
What a shot! Dynamic kick, but goalkeeper saved it. But another golden opportunity in favor of goal kick opportunity for the Chappi brother. Definitely incredible performance of excellent football running here. It is a symbol of a beautiful football. A great excitement is seen everywhere. And a special offer and a special attention for the captain and team manager of each and every team. Once again, this year we are thrilled to present a special offer to the manager of champion team, an exclusive 2 days and three night international foreign trip, either Singapore or Andaman. This golden opportunity pool is sponsored by Sakhi Kalyan Mandap Champua. It is our way of recognizing and celebrating your hard work and dedication. All is well. और अपना पारा अभी भारी हो चुकी है आरके स्पोर्टिंग घाटशिला के ओर से। और देखने वाली बात होगी, ये मैच समाप्त होने से पहले क्या कुछ परिणाम आता है। और अभी गोलकीपर के पांच गेंद पहुंच चुकी है, शानदार तरीके से प्लेसमेंट। और हमारे कमेंटेटर बूथ के कभी नजदीक से गेंद को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हुए फिलहाल पोजिशन लेकर के जेपी ब्रदर के खिलाड़ी। और ये सेकेंड हाफ का मुकाबला जारी है। और कमेंट्री टीम में मैं हूं नरोत्तम तांती और मेरे साथ बने हुए हैं हमारे केओंझर के शुभा कमेंटेटर मिस्टर बुलबुल जी, साथ ही साथ चंपुआ के भरनाथ जी और मुनाजिर जाकी जी। और बहुत ही बेहतरीन मुकाबला का आनंद लेते हुए, लुत्फ उठाते हुए, फिलहाल पोजिशन लेते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन जेपी ब्रदर के खिलाड़ी फिलहाल फिर से आगे बढ़ाने के लिए प्रयास जरूर कर रहे हैं। देखना होगा क्या कुछ करिश्मा करेंगे। शानदार प्लेसमेंट, क्या बेहतरीन तरीके से रिलीज किया और गोल बुहाने की और गेंद को स्टीयर कर दिया है। शॉट ऑन टारगेट देने के लिए प्रयास जरूर किए लेकिन सफल नहीं हुए। और मैं बता दूं कि आज के 40 प्लस में जो फाइनल में प्रवेश किए हुए हैं, मैं उन दोनों टीमों की कप्तानों से गुजारिश करना चाहूंगा बिल्कुल तैयार रहेंगे जगन्नाथपुर और चंपुआ। अब दोनों टीमों की कप्तानों से गुजारिश है बिल्कुल तैयार होकर रहेंगे अगला मुकाबला के लिए। तो आइए आगे का विवरण देने के लिए, आगे के आंखों देखा सुनाने के लिए मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे बुलबुल जी को। मैं बता दूं आरके स्पोर्टिंग घाटशिला 2 गोल दागने में कामयाब हुए हैं, जेपी ब्रदर 1 गोल, 1 गोल व्यवधान केवल 1 है। ये सेकेंड हाफ का मुकाबला और ये लगातार हैट्रिक स्कोर करने में कामयाब हुए आरके स्पोर्ट।
धरी आज उद्यापन उत्सव अवसर में चली तृतीय सेमिफाइनाल प्रत्येक ताजा बरणी दर्शक मान पाख को पहुँचा आम अनेक समय उद्घोषणा तो कर सारी आपण को आज को बरान्य अतिथि मैंने पहुँचुंव से समय आसी सारी मंच में उपस्थित समस्त बरान्य अतिथि और मंच तले उपस्थित समस्त सम्मानित अतिथि को सर्वप्रथमे शुभेच्छा और अभिनंदन ए टूर्नामेंट अवसर में पड़िया मध्य चली टूर्नामेंट तृतीय सेमिफाइनाल एवं सुधा तीन एक गोल रे अग्रणी लाभ करी टीम आरके स्पोर्टिंग घाटशिला सुंदर चिराचरित प्रदर्शन देखे आज ए टूर्नामेंट सेकेंड सेमिफाइनाल ओपोनेंट टीम जेपी ब्रदर एवं भी एक गोल स्कोर कर सफल थे सुधा एक तीन गोल रे पछुआ रही टीम सेकेंड सेमिफाइनाल चतुर्थ गोल स्कोर पाई मुवमेंट हो पारे टीम पाई आउ एक सुजोग नहीं ची टीम जर्सी नंबर सेवेन आशीष कोले सहजय खेलाड़ी को पाई राइट आउट अंचल रु हे पारे सुजोग सुंदर कंट्रोल दुई दुई जन डिफेंडर को बीट करबा पारे ये टारगेट अंचल खेला जाइतरा किंतु गोलकीपर सुंदर गोलकीपिंग कौनसी त्रुटि नथिला गोलकीपर को द्वारा कारण चेपी ब्रदर टीम को जणा अछि ए मैच रे बेबी टीम एक तीन गोल रे रहिछि पछुआ कम से कम दुईटी गोल स्कोर आवश्यक मैच रे प्रत्यावर्तन करबा पई पड़िया मध्य चली गुरुत्वपूर्ण मैच यही मैच रे परे 40 प्लस रो फाइनल मैच 40 प्लस रो फाइनल मैच जगन्नाथपुर एवं टीम मॉर्निंग क्लब चंपुआ मध्य रे अनुसूचित अब तत्पर परे लुजिंग फाइनल मैच निखिल एफसी एवं ए मैच रे पराजित थिबा दल मध्य रे अनेक फुटबॉल प्रेमी भिड़ हजार हजार फुटबॉल प्रेमी समागम रही टूर्नामेंट लास्ट डे रे अनेक दर्शक दर्शिका जोड़ी टूर्नामेंट प्रत्येक मुहूर्त को उपभोग करने पुनर्बार क्रॉस खेल पूर्व बल जाता गोल लाइन बाहर अंचल को ए आर टू रे उपस्थित आलोक देहुरी फ्लाग राइज सुचाई देते मुख्य परिचालक गजानन पात्र को कि मैच रे मिली सारी गोल किंग प्रत्येक मुहूर्त अपडेट आम पाई यूट्यूब मध्यम बीबी स्पोर्टिंग यूट्यूब चैनल मध्यम देखुचे प्रत्येक लाइव एक्शन सब फुटबॉल प्रेमी मैंने चढ़ी पारि ना चंपुआ स्टेडियम जो मैंने ए मैच को आज स्टेडियम चढ़ी रही मैच देखी पारि ना से मैंने यूट्यूब मध्यम ए टूर्नामेंट प्रत्येक मुहूर्त को उपभोग कर चली मैच पुनर्बार राइट आउट अंचल आउ एक चेष्टा कर टीम एवं सुधा एक तरफा लीड आम कहीपर भोला भाई ए मैच रे तीन एक गोल स्कोर रे आगुआ रही टीम आरके स्पोर्टिंग घाटशिला अति चमत्कार प्रदर्शन सीनियर खिलाड़ी मैंने जो स्थान अच्छा से स्थान ठीक सामन रु आउ एक सुजोग सामान्य त्रुटि शेष समय रे मैच को आगो बढ़ाइबा पूर्व रहिछारे आघात प्राप्त रही खिलाड़ी दर्शक बंधु आज आम समस्त सौभाग्य दिन आम समस्त गौरव क्षण अनेक कृतज्ञता ज्ञापन करिवो आज रही कार्यक्रम को आज रही घटनाक्रम को आज जहाँ भी आपण मैंने उपभोग कर टूर्नामेंट परिप्रेक्षी में स्टेडियम घटित होता समस्त घटनाक्रम को आसंता का दैनिक खबर कागज किंवा वेब चैनल प्रकाशित करने सामाजिक गणमाध्यम प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया प्रतिनिधि बंधु मैंने आम सहित सामिल होती पवित्र कुमार नायक महोदय प्रगतिवादी संजीव राज सकाळ महेश्वर दास धरित्री प्रमाणंद महंत संवाद दीपक नायक अमृत दुनिया सौरभ साहू प्रमेय दशरथ गिरी हीरांचल शांतनु दास पाइनर यह समस्त छापा गणमाध्यम एवं वैद्युतिक गणमाध्यम प्रतिनिधि मानक अनेक अनेक कृतज्ञता अनेक अनेक धन्यवाद आसत पुणि थे जा पड़िया मध्य जो डिजाइन रही द्वितीय सेमिफाइनाल कमेंट्री टीम पुणि थे युव भाष्यकार बुलबुल अपट धन्यवाद नरतम भाई एवं सुधा आम देखुचे एक सुंदर सेमिफाइनाल मैच कितु दुई फाइनालिस्ट टीम चलित बर्ष टूर्नामेंट दुई फाइनालिस्ट टीम
आम अनुरोध करू पुणी थे 40+ रो फाइनाल मैच चंपुआ मॉर्निंग क्लब एवं तारी ओपोनेंट टीम जगन्नाथपुर झारखंड मध्य जो मैच अनुष्ठित हो जाऊँगी से मैच पर दुई टीम लाइनअप को आसी ए मैच रे आज आउ एक हाई वोल्टेज मैच आम लेजेंड फाइनाल देखा ए टूर्नामेंट रत्पर पर लुजिंग फाइनाल मैच निखिल एफसी टीम सो टीम बम बम फले ठारू पराजित होता आज प्रथम सेमिफाइनाल रे एक तरफा लीड सहित विजय द्वार देश को अग्रसर रही टीम ए मैच को 3-1 रो लीड सहित अनेक फुटबॉल प्रेमी भिड़ पड़ी आर चतुर्पार्श्वे प्रत्येक अपडेट आम देसु आज टूर्नामेंट कौ खिलाड़ी मैंने पार्टिसिपेट करतिथि मैंने जड़ी मंच देखा तेरे प्रिंट एवं प्रेस मीडिया जड़ी समस्त साथी सहयोगी विषय में आम सूचना दे सारी से साई मीडिया जड़ी बड़ भाई विनोद बिहारी महंत आम धन्यवाद देवु ए टूर्नामेंट अवसर में सब वर्ष भाई ए वर्ष फाइनाल डे अवसर में प्रत्येक मुहूर्त को निजर डीएसएलआर कैमेरार फ्रेम रे फोटो को बांधि रखिंट हृदय मानस पटे सैत रखापी एक स्मृति भरा ए फोटो स्नाप रही टूर्नामेंट लास्ट डे अवसर रे एवं भी संघर्ष सिना कर दल कि वर्तमान सुधा मैच रे प्रत्यावर्तन करना टीम गोटे हाई वोल्टेज टूर्नामेंट 1,60,000 टंकार चंपियन पुरस्कार चंपियन टीम पाई ए टूर्नामेंट अवसर में 1,10,000 टंकार रनर पुरस्कार तहत 65,000 एवं 50,000 टंकार पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिल टूर्नामेंट 5,000 टंकार कैश प्राइज बेस्ट डिफेंडर बेस्ट गोलकीपर पुरस्कार रही 3,000 टंकार पुरस्कार तहत डिसिप्लिन खिलाड़ी आम अनेक टूर्नामेंट डिसिप्लिन टीम को संबर्धित कर मंच देखी था अनुष्ठान देखी आसी था कि अनुष्ठान सर्वश्रेष्ठ श्रृंखलित खिलाड़ी को सम्मान कर आज ये मंच सम्मानित कर मंच पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ी को 3,000 टंकार कैश प्राइज मेडिकल टीम जड़ी कारण खिलाड़ी आघात रही पड़िया परवर्ती मैच पर प्रस्तुत रहिबे 40+ किंबदंती खेलाड़ी मानकर चूड़ांत मैच जगन्नाथपुर वर्सेस चंपुआ अनुरोध कर उभय टीम से माने यथाशीघ्र फोर्थ ऑफिशियल रिपोर्टिंग करेंगे अनुरोध करभय टीम यथाक्रमे जगन्नाथपुर एवं चंपुआ टीम 40+ 40 वर्ष ऊर्ध से ही किंबदंती खेलाड़ी मानकर चूड़ांत मैच अल्प क्षण मध्य आरंभ हम एट अनुरोध करूँ उभय टीम को से माने फोर्थ ऑफिशियल रिपोर्टिंग करेंगे एवं प्रस्तुत होजे परवर्ती मैच प्रदर्शन निम्ते जारी रही द्वितीय सेमिफाइनल रेफरी महोदय अंतिम सीटी गुंजरण।